शामिल करते हैं लोअर देर के पी के से हमारे वॉइस चेयरमैन अलखिदमत न्यूज़ चैनल हाजी कासिम अली ने रिपोर्ट की है। लोअर देर के शहरी अब ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर महीनों के इंतजार के बजाय मौका पर ही इनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। आइए जानते हैं ड्राइविंग टेस्ट आने वाले उम्मीदवारों से। इतने सारा हमने कोशिश इंशाल्लाह करते हैं आपका लाइसेंसिंग वाला काम और बेहतर करते हैं। हमने लोअर दीप के लोगों के लिए ये किया है कि जिस दिन आपका लाइसेंस बनेगा उसी दिन ही आपको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। पहले एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद आपको आना पड़ता था, हम चाहते हैं आपको चक्कर ना लगाना पड़े, आपको उसी दिन ही इंशाल्लाह मिले, ठीक है। तो जब आप अगर यहाँ से पास होते हैं, जो भी उसका चालान जमा करवाना है, कागज जमा करवाने हैं, फॉर्म जमा करवाएं ताकि आपको फॉर्म उसी दिन उसी वक्त लाइसेंस मिले, ठीक है, आपको दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। दूसरा इंशाल्लाह इसको भी हम ठीक करते हैं। पहले यहाँ पे जो गाड़ी जिसपे टेस्ट होता था उसके लोग पैसे देते थे, ऐसे ही है, अभी हमने इसको खत्म कर दिया। कोई बंदा पैसा नहीं देगा किसी को। अगर मुझे पता चला किसी ने किसी एजेंट से को फाइल ली है, किसी ने कहीं पैसे दिए हैं और किसी जगह पे भी पैसे दिए, मैं अपने पुलिस वाले को भी पर्चा दूंगा और उस बंदे पे भी पर्चा। आपने बिल्कुल किसी को रिश्वत नहीं देनी और किसी को पैसा नहीं। अगर कोई नजायज पैसा मांगता है मेरे दफ्तर आ जाए, जब मर्जी आए। किसी को इस चीज का कोई पैसा नहीं देना कि जी आपको लाइसेंस बना देगा, आपको पास कर देगा, कतई ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल उसको माफी नहीं देता जो मेरा कोई एहलकार गलत काम करेगा या जो पब्लिक का बंदा गलत करेगा। हम आपके लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं और आपके लिए हम ऐसा सिस्टम करना चाहते हैं ताकि आपको नजायज एक रुपया भी ना देना पड़े। इंशाल्लाह हम जल्दी ही ये काम कर देंगे। अभी जो आप फाइल इशू करते हैं जिसपे इनको को फाइल बना के देते हैं ना, फाइल तो ये जो सर इसके फाइल होते हैं, ये जो फाइल है ये लेके आते हैं कहाँ से? ये इसके लिए तो फार्मेसी लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? वो तो आ गया ना मेडिकल का, मेडिकल का उसकी को लाइसेंस की पूरी फाइल बनती है। वो फाइल कहाँ से मिलती है? हम देते हैं, उसके पैसे लेते हैं आप लोग? नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल होगी। बराए मेहरबानी किसी को फाइल के पैसे नहीं देने किसी किस्म की किसी जगह पे। जो सरकारी फीस है जो आपने जमा करवानी है बैंक में या जिसकी आपको वो रसीद दी जाएगी, इसके अलावा किसी को फालतू पैसा एक रुपया नहीं। अगर किसी जगह फर्ज किया 80 रुपए जमा होने हैं तो 85 नहीं देने, किसी जगह 95 जमा होने हैं तो 100 नहीं देना, 5 वापस लेके जाने। बात क्लियर है? जो काम कर रहे हैं लोग उनको सरकार तनख्वाह देती है और आपकी खिदमत की तनख्वाह देती है, इसलिए फालतू पैसा किसी को नहीं। कोई बंदा आपसे नजायज पैसों का तकाजा करे मेरे पास दफ्तर आ जाए, मैं आपके साथ उठ के घुट जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि मैं उसका इलाज क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चले अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लर्नर का पीरियड लेके आ जाते हैं कि जी मैंने तो बाहर जाना है तो मेरा आज ही बना दे मेरा फलाना। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, इस काम के लिए मत आए, अपना टाइम पूरा करें, ठीक है। इसके अलावा जो यंग लोग हैं, यंगस्टर हैं, ब्राय मेहरबानी मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहन के। मैं शहर में सख्ती करने लगा हूँ क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, लोगों की डेथ्स हो रही है, तो मैं सख्ती करने लगा हूँ। मैं बगैर हेलमेट के जो है ना अभी जुर्माना तो नहीं करेंगे लेकिन पकड़ के मोटरसाइकिल बंद करवा देंगे ताकि आप लोग जब तक हेलमेट नहीं लेके आएंगे हम आपको जो है ना वो मोटरसाइकिल नहीं देंगे। तो ये इस पे भी सख्ती करनी है ताकि आप लोग यार अपना ख्याल रखो, ठीक है। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, थैंक यू।